हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला मैगी, तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। डालकर हम इसे भून लेंगे। हल्का ही हमें इसे भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बीन्स। मैंने बीन्स को धोकर छोटे छोटे पीस में काट लिया है और बीन्स को भी हमें हल्का भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। प्याज और बीन्स हल्का भून चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर। और इसे मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें डाल लेते हैं कुछ मसाले। थोड़ा सा हल्दी पाउडर है ये, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैगी के साथ जो मसाला आता है उसके साथ भी नमक होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा नमक डालना है इन सब्जियों में। ये मैगी मसाला है, 2 पैकेट मैगी है, इसलिए 2 पैकेट ये मैगी मसाला डाल रही हूँ मैं। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी पानी। इसे चलाकर हम ढक देंगे 1 उबाल आने तक। पानी में उबाल आने लग गया है, तो अब हम इसमें डाल लेते हैं मैगी। मैगी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तीन मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए मैगी अब बनकर रेडी हो चुका है। अभी बिल्कुल रेडी है बनकर, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इस तरीके से एक बार मैगी बनाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।